हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग गेट 2024 में जो ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन आया उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लीनियर अलजबरा का भी क्वेश्चन बोल सकते हो, फील्ड का भी क्वेश्चन बोल सकते हो, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज है तीनों जगह से आ रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या इसमें कॉन्सेप्ट है, और ये वीडियो कहीं ना कहीं जो बच्चे गेट 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, और मैं सॉल्यूशन दूं इसके पहले मैं बता दूं, हम लोग का क्रैश कोर्स गेट के लिए 7 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट सीरियस हैं गेट के लिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए, वो यहाँ इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हमारे पास एक F3 फाइनाइट फील्ड है जिसके पास एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स हैं। तो हमें बोला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस जो हमारा ये जो अपना ये ग्रुप है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, Gl2F3 के अंदर ये पूछा गया है क्वेश्चन कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो कैसे इसको अप्रोच किया जाए इस टाइप का, और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा ही, चाहे होमोमोर्फिजम्स हो एक ग्रुप से दो ग्रुप के बीच में, या दो रिंग्स के बीच में होमोमोर्फिज्म हो, या किसी कोशेंट रिंग की कार्डिनलिटी हो, इस टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न गेट में आस करने का बहुत ही पुराना है और हमेशा ही पूछा जाता है, और हर साल पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि इसी बार ही इसने पूछा है, हर साल थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा जाता है। तो इस पे कमांड होना बहुत जरूरी कि क्या है, कैसे है, नहीं है। तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे इसको अप्रोच किया जाए। तो सॉल्यूशन, आई ऑलवेज स्टार्ट कि कैसे हम लोग सोचे, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का। ओके, तो पहला तो आपको पता होना चाहिए कि जो फाइनाइट फील्ड होता है उसके रिस्पेक्ट में जनरल लीनियर ग्रुप का क्या बिहेवियर होता है। तो पहला तो दो तीन चीजें आप रिकॉल करो, जस्ट रिकॉल कि एफ अगर कोई फील्ड है, इफ एफ इज अ फील्ड देन यू कैन डिफाइन दिस जी एल एन एफ सो कॉल्ड ऑल दोज ए इन एम एन एफ सच दैट डेट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। दैट इज आई ई दिस जी एल एन एफ इज नथिंग बट ऑल दोज मैट्रिसेस विच आर इन्वर्टेबल, या जिनका रैंक आप बोलो कि एन है। ओके, दिस इज ए ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, अंडर द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉल्ड द जनरल लीनियर ग्रुप। ओके ठीक है, ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं जनरल लीनियर ग्रुप। ओके ठीक है, तो ये अपना हो गया कि ये कैसे अपना जनरल लीनियर ग्रुप हुआ कैसे। तो पहले तो जनरल लीनियर ग्रुप नाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो जनरल लीनियर ग्रुप इसी को ही बोलते हैं जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, जी एल एन एन एफ। ठीक है, ये अपना नोटेशन है और ये इसका डेफिनेशन है कि वो सारे एन क्रॉस एन मैट्रिसेस ओवर द फील्ड जो इन्वर्टेबल है, या जिनका रैंक एन है, या जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो, ये सारी चीजें सेम है। अब चूंकि ये अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बनाता है तो हम लोग देखेंगे कि फाइनाइट ग्रुप है कि इनफाइनाइट ग्रुप है। अगर फील्ड हमारा इनफाइनाइट हो जाए तो ये इनफाइनाइट होता है। ठीक है, सो दिस इज स्मॉल एक्सरसाइज। इफ दिस इज एन इनफाइनाइट फील्ड देन जी एल एन एफ दिस ऑल्सो एन इनफाइनाइट ग्रुप। इनफैक्ट मोर जनरल आई लाइक टू गिव दिस मोर जनरल दिस जनरल लीनियर ग्रुप इज इनफाइनाइट इफ एंड ऑनली योर फील्ड इज इनफाइनाइट। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चंस आना था ना, जो आना था वो आ गया। इससे आपका थिंकिंग क्या चेंज हुआ, आपके सोच में क्या फर्क पड़ा, कुछ एज ए मैथमेटिशियन चेंज हुआ, वो इंपॉर्टेंट है एट द एंड। वो काम आएगा गेट के एग्जाम में, या आगे आप मैथमेटिक्स करोगे हायर लेवल का तो वहां पर। ओके, और मैं चाहता हूँ ये सारी चीजें आपके अंदर डेवलप हो, और कहीं ना कहीं आप डेवलप करना चाहते हो बट चूंकि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ फाउंडेशन, वीकनेस, और थोड़ा डर जाते हो। डरो मत, आराम से देखो क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, मस्ती से यहाँ तक ये हो गया। तो जी एल एन एफ का आ गया इनफाइनाइट। तो अगर फील्ड हमारा फाइनाइट है तो जी एल एन एफ भी फाइनाइट होता है।
तो अगर हमारे पास फील्ड के पास, लेट्स से आपको पता होगा जो फील्ड फाइनाइट फील्ड्स होते हैं उनकी कार्डिनलिटी स्पेशल फॉर्म की होती है, प्राइम के पावर्स में होती है, तो जिनको मैं क्यू बोलता हूँ, देन दिस जी एल एन एफ क्यू दिस इज अ फाइनाइट ग्रुप एंड इसका ऑर्डर जो हमें पूछा गया है, एंड ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप जी एल एन एफ इज नथिंग बट क्यू एन माइनस वन माइनस क्यू। कैसे आया ये समझना बहुत जरूरी है दोस्त, ये कैसे आया। ठीक है, तो ये हो गया अपना ऑर्डर, मैं भी आंसर बताऊंगा। जो आपका फील्ड है वो एफ थ्री है और साइड जी एल टू पे बातचीत हो रही है, यस, और एन जो है आपका वो टू है। तो इस क्वेश्चन के आंसर, फील्ड में तीन एलिमेंट्स हैं तो थ्री स्क्वायर माइनस वन, थ्री स्क्वायर माइनस थ्री, सो ये आपका आ गया एट और ये नाइन में से गया सिक्स, सो इट्स 48। सो 48 इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। बट ये आया कहाँ से, ये कैसे आया, इसके पीछे का क्या थॉट प्रोसेस है, उसको थोड़ा अगर हम लोग देख लें तो मजा आ जाए। तो बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है, ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये एनथ रो, ये मान लो तुम्हारा मैट्रिक्स है एम एन फील्ड से, ओके, हाँ जी, ये तो आई एम सेइंग व्हेन दिस मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, है ना, एक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होता है, रैंक के साथ क्या रिलेशन होता है। सो योर मैट्रिक्स, सो लेट्स कॉल इट दिस, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, डॉट डॉट डॉट, एनथ रो, या कॉल इट दिस फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, सो एन एनथ कॉलम, लाइक दैट यू शुड से। सो दिस, सो योर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ये जो कॉलम्स है सी वन सी टू सी एन, दिस इज लिनियरली इंडिपेंडेंट इन दिस वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। वाई दस, ओके, अब फील्ड आपका फाइनाइट है तो ये जो वेक्टर स्पेस है इसके पास फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये जो आपका वेक्टर स्पेस है इसके पास फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स है, उसके लिए कितना चॉइस है, ओके, हाउ मेनी चॉइसेस। तो वेक्टर स्पेस पर फाइनाइटली एलिमेंट्स, वही वेक्टर स्पेस का एलिमेंट यहाँ पे आएगा फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, एनथ कॉलम में, एंड बिकॉज यू नीड लीनियरली इंडिपेंडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियरली इंडिपेंडेंट, टू वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट कब होते हैं, तीन वेक्टर्स में दो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, सो दो से स्टार्ट कीजिए, या सिंगलटन वेक्टर, कोई भी सिंगलटन वेक्टर लोगे दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ इट्स नॉन जीरो, करेक्ट। तो इसी प्रकार से अगर मैं आपको दो वेक्टर्स दूं बी वन बी टू इन एनी वेक्टर स्पेस, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर द फील्ड एफ, ये कब होगा, क्या कंडीशंस होगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया, आंसर देना और एक समझ के आंसर देना, भले आपका गेट में बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आए लेकिन अगर समझे रहोगे चीजों को ना, आगे अच्छा जरूर होगा, ये मैं लिख के आपको दे देता हूँ। और समझे नहीं रहोगे, भले गेट में बहुत अच्छा रैंक आ जाए, सिंगल डिजिट रैंक आ जाए, बट परेशानी जो मैथमेटिक्स में है ना, अनहैप्पीनेस, अनइजीनेस, वो हमेशा रहेगा लाइफ में, कभी भी अंदर से एक हैप्पीनेस नहीं आएगा मैथ बनाते समय कि यार बनाए बड़ा मजा आया, ये मजा मिसिंग रहेगा, बन तो जाएगा बाय हुक बाय क्रूक, बट एक अंदरूनी हैप्पीनेस नहीं आएगा कि यार मजा आ गया, है ना। तो वो अगर संतुष्टि चाहिए, वो अगर हैप्पीनेस चाहिए, तो थोड़ा सा यार चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है, और ये एक दिन नहीं होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली होता है। और मुझे लगता है कि आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिक्स ये वो उसके चक्कर में फंस के अपना जो भी नॉलेज है उसको भी कचड़ा कर देते हैं, और जो अच्छा आ सकता था उसको तो बेकार बना देते हैं। वो भी जरूरी है बट साथ साथ फाउंडेशन है ना, जैसे घर बनाते हो तो फाउंडेशन वो बहुत जरूरी होता है। फाउंडेशन ना छोड़ के आप छह सात तल्ला बना दिए, पता चला हवा आया उड़ गया, फायदा नहीं है ना दोस्त। थोड़ा सा सही से, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग कहीं ना कहीं रिसर्च फील्ड में बहुत अच्छा करना चाहते हो, डर जाते हो छोटी छोटी चीजों को लेकर, डरना के नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है, बहुत अच्छे से मैथ करना है, सीखना है, और सीखोगे तो हो जाएगा बातचीत, देख लो तुम्हारे सामने लिखा है मैंने, तो ये कॉन्सेप्ट यूज करो। सिमिलरली आपके पास अगर मैं तीन वेक्टर दूं, ये लीनियरली
इंडिपेंडेंट कब होगा, क्या कंडीशंस होगा। जैसे पहला दो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तीसरा वेक्टर मैंने दिया, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, सो एंड सो फोर्थ। ऐसा एन तक जाओगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा, उतने चॉइसेस मिलेंगे, एंड दैट्स द डायमेंशन, दैट्स अ कार्डिनलिटी जो मैंने लिखा था। तो ऐसे आपको चुनना पड़ेगा, हाउ मेनी वेज यू कैन चूज दिस सी वन सी टू सी एन, सो दैट इट्स दिस एंड दैट, बिकॉज गिवन दिस कॉलम्स एल आई यू हैव इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो कितने ऐसे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स भैया, इस टाइप के कितने कॉलम्स, इस टाइप के कितने ये, इस टाइप के कितने बेसिस, सब कुछ हर तरीके से। ओके ठीक है, तो मैं बहुत कुछ जा सकता हूँ, बट ये आपके समझदारी पे मैं छोड़ता हूँ, समझो। और थोड़ा सा भी दिक्कत हो, जैसा मैंने बताया 7 सितंबर से यहाँ पे क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, ओके गेट के लिए, ओके आप उसको जुड़ सकते हो, या रेगुलर बैच में फाउंडेशन वाइज जुड़ना है, हर चीज का प्रूफ, हर चीज का समझ बेसिक तरीके से, बेसिक लेवल से, तो उसके लिए रेगुलर बैच है। फाउंडेशन अगर आपका अच्छा है, आप चीजों पे पकड़ बनाए हुए हो, लेकिन बनाने में दिक्कत होता है या एक अनइजीनेस रहता है, तो उसके लिए क्रैश कोर्स है। दोनों कोर्स है, आपका चॉइस है, आपको क्या अच्छा लगता है। बाकी जहां तक इस क्वेश्चन का आंसर है, मैंने अभी आपको दे दे दिया है कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर देना है, कैसे इसको सोचना है, क्या थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, तो आंसर दिस क्वेश्चन, ऑल दिस वी हैव गिवन। तो थोड़ा सा चीजों को समझोगे तो इसको आराम से आंसर आप कर दोगे, ठीक है ओके। तो आई होप इतना से क्लियर हुआ होगा, बाकी जो भी कसर रह गई होगी आगे वाले वीडियोस में हम लोग बातचीत करेंगे। तो मिलते हैं कल या नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे से, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, और अपने आप को मैथमेटिक्स में जिंदा रखें, मैथ के फील्ड में थोड़ा जिंदा रहे, वो बहुत जरूरी है ओके। तो मिलते हैं फिर नई जोश नई ऊर्जा के साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।